Mastery. तो दोस्तों ये दिन था तीसरा स्पीति पे और ये स्पीति अब इस दिल में बस सा गया था। लोगों को कहते हुए सुना था कि एक जादू नगरी सी है, अगर जाओगे तो खुद ब खुद इससे प्यार हो जाएगा। उस वक्त तो इतना ध्यान नहीं दिया, पर हाँ जब खुद जाकर देखा तो बस प्यार सा हो गया। अगर पूछोगे क्यों तो मेरा जवाब भी वही होगा, एक बार स्पीति आकर तो देखो। तो चलिए जानते हैं स्पीति की कहानी, दो यारों की जुबानी। वो लोकेशन ज्यादा सही है ना शूट के लिए? वाह वाह बनाते हैं तेरे। किधर? उधर। हाँ उसे ही लग रहा है, बड़ी गर्मी है यार। गर्मी तो बहुत है। आज डेट क्या है? 17 अप्रैल। याद है लास्ट टाइम? लास्ट टाइम हम कहाँ पे थे स्पीति? हाँ अलग ही सीन था यार, वो क्या ठंडा माहौल था यार उधर। कितना था सुबह का टेम्परेचर? 3-4। हाँ काजा में तो स्नोफॉल भी होगी थी इस टाइम। जब काजा से निकले थे हार्डली 4-5 किलोमीटर हुए थे। एंड भाई तूने निकलने कहाँ दिया था काजा से? भाई साहब क्या बोलते हैं, रिटिक्स 5 किलोमीटर चले वहाँ से और आगे 30-40 मिनट वहाँ रुकना पड़ा तेरे रिटिक्स लेने के लिए। अरे यार हालत खराब कर भाई, इतनी तो क्या करते हैं। Right now we are going towards Ski Monastery. तो कल सीन्स कुछ ऐसे like snowfall था, but literally भगवान ने हमारी सुन ली। अभी weather almost clear है, so the main plan for today is like we are moving towards Chisholm Village, then we will move towards like Hikkim, and after that we will explore the local places of Kerala. So let's see what we can find. Till then stay tuned. तो ये है जी रास्ता काजा से Ski Monastery तक का, सुनसान बियाबान पर सुंदर। और कुछ ऐसे से रास्ते जहां सड़क ढूंढना मुश्किल, पर एक बात है यहां पे काम कभी रुकता नहीं है। फिर मोनेस्ट्री बोलता था So guys, we have just reached monastery, Ski Monastery. So अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर, so that we can have a complete view of the monastery. So yeah, stay tuned. Let's see. And then भाई वो वाला सीन याद है जब Ski Monastery से हम ऊपर थोड़ा सा ट्रैक कर रहे थे, and you said कि यहाँ से ड्रोन शॉट्स अच्छे आते हैं, तो हम भी वहाँ पर चले गए थे। और बाद में क्या हुआ था भाई? नीचे से मॉन्क थे, वो आवाज लगा रहे थे। एक्चुअल में उस टाइम मॉन्क्स का ऊपर आना जायज था क्योंकि लॉकडाउन था एंड दे थॉट हम टूरिस्ट नहीं हैं। I was wearing green hat, green jacket and having a gimbal जो बजूका की तरह लग रहा था। बट जब वो ऊपर आए, we had a conversation, उन्हें बताया कि हम धर्मशाला से हैं, तो सब चल हो गए। तो ये लगभग हमारे सुनने में ऐसा होता है कि अभी 800-900 साल हो गया बोलते। तो पहले ये हमारा जो आप देख रहे हैं ना उधर रंगरीक पुल की, तो उसकी ऊपर है बोलते पहले, फिर उसके बाद में इधर शिफ्ट किया बोलते। अब शिफ्ट इधर शिफ्ट होके फिर शिफ्ट करके अभी 800 साल हो गया ना। इसको मनास्ट्री का सब कुछ वचन टुलको बोलते हैं। ओके तो लोचिन तीन जिन या संग जी जी आ, तो वो लोचिन अभी 19 शब्द है उसका अभी शब्द। उसके बाद हम मोनेस्ट्री के अंदर आए और कुछ जगह उन्होंने शूट करने दी। सो दिस इज अ प्लेस जहां पे हवन होता है। और ये है वो जगह जहां बैठ के ध्यान लगा सकते हो।
दीजिए। एक वार्निंग देना चाहूँगा सबको, अगर काजा आना है तो अच्छी वाली कोई सनक्रीम साथ लेके आए, नहीं तो पूरा आपका फेस फट जाएगा और बाद में फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा जैसे मैंने किया है। अब सनक्रीम मैंने पूरी लगा ली है अपने मुँह फेस के ऊपर, तो मैं पूरा वाइट हो चुका हूँ। की मोनेस्ट्री से निकलकर हम जल्दी अपनी नई मंजिल की ओर, ज्योति चीचम ब्रिज, एशियाज हाईएस्ट ब्रिज, और ये जोड़ता है दो गांवों को, चीचम और किबर। इस ब्रिज के बनने से किबर और लुसार का डिस्टेंस 40 किलोमीटर कम हो गया। और गाइस जो वाइब थी यहाँ पे एकदम अलग, गूज़बम्स यू कैन से। थोड़ी देर यहाँ रुके और फिर चल दिए लांगजा की ओर। यहाँ के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल अरेबियन नाइट्स की कहानियों की तरह, बस किरदारों की कमी है। यह है रास्ता लांगजा का। करीब दोपहर में हम लांगजा पहुंचे, बादल थे तो सब मिस्टी सा वेदर था। और हवाएं, इनके बारे में तो सोचिए मत, सर्द हवा के झोंके। यहां आके ऐसा लगा कि वक्त थोड़ा थम सा गया है, 2003 या 4 समझिए। मोबाइल से कोई लेना देना नहीं, सब अपने धुन में मस्त खेलते हुए। याद है इस कहानी की शुरुआत में मैंने कहा था लोगों को इसे जादू नगरी कहते हुए सुना था, तो ये है वो जादू नगरी, एक सुकून भरा एहसास। अगर आप लोग भी मुझसे पूछोगे क्यों, तो मेरा भी यही कहना होगा, एक बार स्पीति आकर तो देखो, खुद ब खुद पता लग जाएगा। यहाँ एक ऐसा सुकून है जिसे हम एहसास तो कर सकते हैं पर बयान नहीं। In the middle of nowhere, but believe me guys, the views you can see, they are truly amazing. Man, that is Langza. Tabo, we stayed for one day. उसके बाद हम निकले थे सीधा अपना कालपा के लिए। कालपा में हमारा दो दिन का और था, बट सिचुएशन ही इतनी पैनिक वाली थी यार कि वी हैड टू रश। ये बात अप्रैल 2021 की थी, उस टाइम कोविड की वेव ने फिर से बाउंस बैक किया था। हमारे आगे जितने भी प्लान्स थे वो हमें यहीं पे खत्म करने पड़े। काजा से वी मूव टू ताबो, स्टेड देयर फॉर वन डे एंड देन हम निकले कालपा की ओर। और कालपा ने कुछ इस तरह हमारा स्वागत करा। खूबसूरत यह जगह याद दिलाए मुझे फिर से उस ख्वाब की, जिसे पूरा करने के लिए मैं बंजारों की तरह घूमा। खींचे मुझे अपनी ओर, जैसे इन वादियों से अपना साथ हो पुराना। तो ये था हमारा पहला और आखिरी दिन कालपा में। जितना इस जगह की खूबसूरती को निहार सकते थे उतना हमने निहारा। दिल में बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि काश कुछ और पल मिले होते, पर खैर ऐसा नहीं हुआ। पर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी पल हमें मिले हमने उन्हें जिया। एक सुकून भरा ट्रिप जो शुरू हुआ कांगड़ा के एक छोटे से शहर से और खत्म हुआ कालपा में।
So guys, hope you like this last episode of Spiti. तो ये थी हमारी कहानी कहाँ तक की स्पीति तक की. सो नेक्स्ट टाइम वी आर प्लानिंग की वी विल गो इन 4x4 और बाकी देखते हैं. बाकी प्यार बरस आते रहिए. और ये हैं हमारे अंकु द ब्लॉगर. यू कैन फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम. बाकी मुझे तो यू नो मी एवरीवन नोस यू. तो अभी इतना नहीं है ना. जितना प्यार इंस्टाग्राम पे बरसा रहे हो भाई उतना यूट्यूब पे भी बरसा. बाकी कुछ है नहीं. हैप्पी पूरे एंड वी आर हियर शूटिंग अ रील. यप. बट हमारा मॉडल क्या तू ही इनफ है यार. फीमेल मॉडल ब्रो. भाई तू ही इनफ है यार. ये ज़्यादा